अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेस मनी के बारे में। एक्सप्रेस मनी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके हमारे मेम्बर बने ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो व्यूवर्स, एक्सप्रेस मनी जो है वो एक बड़ी मनी ट्रांसफ़र कंपनी है जिसका नेटवर्क 160 ममालिक में फैला हुआ है और इसके तकरीबन 18,000 जो हैं एजेंट दुनिया भर में मौजूद हैं। एक्सप्रेस मनी के ज़रिए आप मुख्तलिफ मोड में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि कैश पिकअप है, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र है, इसके अलावा मोबाइल वॉलेट मनी ट्रांसफ़र है। तो इस तरह आप कोई भी सर्विस इनकी यूज़ कर सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक्सप्रेस मनी इस्टेब्लिश हुई 1999 में यूके में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो भी लंदन में है। एक्सप्रेस मनी को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली मनी ट्रांसफ़र के लिए बआसानी यूज़ किया जा सकता है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये लोअर फीस आपसे चार्ज करता है और एक अच्छा एक्सचेंज रेट भी देता है। रिसेंटली एक्सप्रेस मनी ने अपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है जिसका नाम है ज़ोज़ो, लेकिन अभी ये ऐप सिर्फ यूके में यूज़ हो रही है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ बैंक्स में एक्सप्रेस मनी की सहूलत दस्तियाब है, जिनमें MCB बैंक है, मीज़ान बैंक, नेशनल बैंक, सुमित बैंक है, UBL बैंक है। तो ये मशहूर बैंक्स हैं जहाँ पर आप एक्सप्रेस मनी को यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेस मनी वर्क कैसे करती है, यानी क्या तरीक़ेकार है मनी ट्रांसफ़र का। तो सबसे पहली बात यह है कि आप विज़िट करेंगे अपने नियरेस्ट एक्सप्रेस मनी लोकेशन के ऊपर। सबसे पहली चीज़ यह है कि आपने विज़िट करना है एक्सप्रेस मनी एजेंट के पास या मुतालिका बैंक में जहाँ पर एक्सप्रेस मनी की सर्विस मौजूद है, और वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपने जिसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसके यानी जो बेनिफिशियरी है उसका नाम भी मेंशन करना है उस फॉर्म में, और उसके बाद आपने पेइंग की इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि जितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करना है वो आपने मेंशन करना है, और वो जो अमाउंट है वो आपने कैश की सूरत में एजेंट को दे देना है। एजेंट जो है वो कैश अपने पास जमा करेगा और आपसे एक पिन शेयर करेगा जिसको एक्स पिन कहते हैं। वो एक्स पिन जो है वो एक सीक्रेट कोड है आपका, वो कोड जो है वो 16 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल होगा, और उसको आपने शेयर करना है बेनिफिशियरी को, यानी जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे आप वो थ्रू SMS या WhatsApp या फ़ोन के ऊपर आप उसको वो कोड बता दें कि जी ये कोड जाके उसने बताना है, और वो कोड जब वो जाके अपने नियरेस्ट एक्सप्रेस मनी काउंटर पर जाएगा या मुतालिका बैंक में जाएगा तो वहाँ बताएगा, तो वो अपने जो फंड्स हैं वो कलेक्ट कर पाएगा। पैसे जो हैं वो डायरेक्ट कैश की सूरत में भी भेजे जा सकते हैं, यानी कैश पिकअप का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बैंक अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मोबाइल वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। बेनिफिशियरी या जो रिसीवर है जिसके नाम पर पैसे भेजे जा रहे हैं, तो उसको सिर्फ करना ये होता है कि वो जब एक्सप्रेस मनी का विज़िट करता है तो वहाँ पर वो अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो वहाँ पे देता है, यानी कि वो अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट शो करेगा और अपनी वो जो पिन है एक्स पिन वो बताएगा, और सिंपली वो एक फॉर्म फिल करने के बाद अपनी जो मनी है वो कलेक्ट कर सकेगा। जो शख्स एक्सप्रेस मनी के ज़रिए पैसे भेज रहा है वो अपनी ट्रांजेक्शन को ट्रेस भी कर सकता है, उसको SMS के ज़रिए नोटिफाइड भी किया जाता है, और आप अपनी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स जो हैं वो ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो व्यूवर्स, अगर आपने वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम की सर्विस ऑलरेडी यूज़ की हुई है तो एक्सप्रेस मनी को समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी, वो भी तकरीबन उसी तरह वर्क करता है जैसे वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम करता है। तो इस वीडियो का मकसद था कि आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाए एक्सप्रेस मनी का। इसके बाद मैं मज़ीद भी ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।